उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को खुद ही नहीं पता कि उनके पद की गरिमा क्या है। कांग्रेस अध्यक्ष अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, पहले उन्होंने अपना इलाज कराना चाहिए। जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है उसे माँ गंगा का भी अपमान हुआ है। रावत ने कहा है कि यह राजनीति की स्वास्थ्य परंपरा नहीं है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी जिस प्रकार तुच्छ मानसिकता की बात कर रहे हैं, यानी सीधे सीधे गंगा को प्रदूषित करने की बात, और प्रधानमंत्री जी को ऐसे शब्द कहना, मैं सोचता हूँ कि यदि उनके घर में यह घटना घटे, उनके मास्क के साथ घटे, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। जो कह रहे हैं कि मोदी जी की यदि माँ कभी ऐसे इस दुनिया से चली जाए, उनको भी गंगा में आना पड़ेगा, उनके पुष्प लेकर के उसके बाद प्रदूषित करना, ये मैं सोचता हूँ कि एक उनकी बौखलाहट है और मानसिकता से वो, मैं सोचता हूँ कि पूरी तरह पागलपन उनका है।